चेयरमैन दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th देखिए मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि ये जो ग्रुप्स ने मिलकर के एक बहुत अच्छा सॉन्ग बनाया है पिछले 3 महीने लगातार जो स्ट्रगल पूरे देश ने देखा है अजमेर ने देखा है और एक कह सकते हैं कि हम सभी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है शायद हम में से किसी को भी दोबारा ऐसा कुछ देखने को नहीं मिले हम ऊपर वाले से भी दुआ करेंगे एक टफ समय देखा है उस टफ एक बहुत ही कठिन चुनौती से बाहर निकलने की प्रोसेस में अजमेर है पूरा देश इसी प्रक्रिया में लगा हुआ है एक संगीत के माध्यम से एक गाने के माध्यम से इस ग्रुप ने कोशिश की है कि किस तरह से हम अपने लोगों को मोटिवेट कर सकें उनके अंदर वो ऊर्जा पैदा कर सकें वो विश्वास पैदा कर सकें कि अजमेर फिर से वापस अपने उसी पटरी पर आएगा और वापस हम फिर से अपने पुराने जीवन शैली को और अपने विकास की ओर उसी तरह से आगे बढ़ना प्रारंभ कर देंगे मैं ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और हमारे अजमेर के सभी हमारे निवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि वो इसी प्रकार से जिस तरह से उन्होंने इस विपत्त काल में साथ रह करके पूरे सिस्टम को पूरे प्रशासन को सहयोग दिया है अब आगे जब हम विकास की ओर पुनः लौट रहे हैं एक बार फिर से हम सबको मिल करके अपने कदमों को साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है ताकि हम देख सकें कि हमारा अजमेर फिर से ऊंचाइयों की ओर बढ़े और इसका और बेहतर विकास हो सके हम होंगे कामयाब अजमेर ये गीत कुछ गीतों का युग्म अजमेर की जनता को आज समर्पित है अजमेर की जनता का ही सहयोग है अजमेर की जनता ने ही बनाया है और इस गीत के माध्यम से पिछले 3-4 महीने में जो नकारात्मकता के भाव इस शहर के इस राज्य देश के और दुनिया के अंदर जो फैल रहे थे उनका शमन करने की कोशिश की गई है उनको कम करने की या उनको मिनिमाइज़ करने की कोशिश की गई है इन गीतों के अंदर जो मेन जो आत्मा जो थी वो जिसमें हम 4 मित्रों का 5 मित्रों का जो बहुत सहयोग था उसमें नीरज जी जैन आप सब अच्छे भली भांति परिचित हैं डॉक्टर रजनी चारण का जो गीत संगीत से रिलेटेड जितना भी सारा मैनेजमेंट था वो आप रजनी चारण जी का था जो भी वेब डिज़ाइनिंग वगैरह आप देखेंगे उन सब में अभय सांकला जी ने जितनी ग्राफिक्स का जितना अच्छे से अच्छा उपयोग किया गया हमारे कुछ मीडिया के मित्रों ने जय हैं आनंद हैं मासूम हैं इन लोगों ने हमको बहुत अच्छे अच्छे क्लिपिंग्स उपलब्ध कराए थे और ये जो 12-13 मिनट का जो एक वीडियो है इसको देखने के बाद से मैं आप लोगों को दावा कर सकता हूँ मैं आप लोगों से पूर्ण वादा करता हूँ कि यदि आप न्यूट्रल भाव से इस चीज़ को देखेंगे तो आपके अंदर से पुनः जागरण पुनः ऊर्जा का संचार होगा और हम वापस अपने अपने निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए फिर से उन्मुख होंगे उद्धृत होंगे और अंततः हम उस लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे धन्यवाद अजमेर मैं अतुल दुबे इस देश में इस परिवर्तन के समय में क्योंकि कई परिवर्तन हमको पिछले 3 महीने में देखने को मिले और उस परिवर्तन को अजमेर ने भी देखा सुना सहा और अजमेर की जनता ने भी उस परिकल्प जो परिवर्तन है उस परिकल्पना को हमने वीडियो के जरिए गानों के जरिए अजमेर ने जो देखा सुना उसको बनाया है होंगे कामयाब अजमेर इसके अंतर्गत जिस प्रकार महामारी आई महामारी से पहले का अजमेर कैसा था महामारी के बीच में अजमेर कैसा था और कैसा वापस अजमेर होगा अजमेर की जनता किस प्रकार इस महामारी से लड़ने के बाद वापस खड़ी होगी अजमेर में इस महामारी से लड़ाई के बाद जो हमारी यहाँ की जो एक स्मृतियाँ थी कि कैसा हमारा मदार गेट था कैसा हमारा आना सागर कैसा हमारा गांधी भवन और वो परिवर्तित होकर के लॉकडाउन पीरियड में कैसा हुआ और उसके बाद वापस हमारी जो यहाँ की जो वैशिष्ट्य है हमारे जो यहाँ के जो वैशिष्ट्य है जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं चाहे हमारे यहाँ अजमेर की कड़ी कचौरी हो चाहे भूतिया का दूध हो चाहे हमारे यहाँ की लस्सी हो हमने किस प्रकार से अजमेर की जनता ने उसको मिस किया और कैसे वापस से हम अजमेर के उद्योग धंधों को व्यापार को हमारे कामकाज को नियमित करेंगे ये अजमेर वापस उठ खड़ा होगा इस महामारी से लड़ने के बाद ये इस वीडियो में इस गाने के जरिए दर्शाया गया है हमारे मित्र अभय साखला ने इसको पूरा एडिट किया है डॉक्टर रजनीश चारण ने गानों को लिखा है गाया है और हमारे अजमेर के जो समाजसेवी हैं राजनीतिक व्यक्ति हैं हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपना किरदार इन गानों के जरिए इन जो वीडियो उसके जरिए जनता को संदेश देने के लिए किया है